हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह, पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, इसके अंदर हम थ्योरीज कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली क्लासेस में आप दो थ्योरीज देख सकते हैं, जो थ्रॉनडाइक की और हमारी पेवलॉन की थ्योरी थी। आज की जो हमारी थ्योरी है वो थर्ड थ्योरी है, जो स्कीनर की थ्योरी है। ठीक है, तीनों थ्योरीज आपस में रिलेटेड हैं। आप तीनों देखेंगे तो तीनों में आपको सेम चीज़ें दिखाई देंगी। बस इन तीनों ने क्या किया था, अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। जो हमारे थ्रॉनडाइक जी थे, उन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद हमारे पेवलॉन ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, और जो आज हम थ्योरी करने वाले हैं वो स्कीनर की थ्योरी है, जिन्होंने चूहे के ऊपर यानी कि रैट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, इन्होंने भी एक कंडीशन रखी थी। पहले तो ये जान लेते हैं कि इसके कितने नाम हैं। इस वाली थ्योरी के तीन नाम हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि संधारणात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, उसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, उसके बाद आता है टाइप आर कंडीशनिंग। जो इससे पहले वाली हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो हमारी पेवलॉन की थी, वो टाइप एस थी, जिसके अंदर डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, और ये वाली जिसके ऊपर रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया, ये टाइप आर है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, आर यानी कि रिस्पॉन्स है और रैट। ठीक है, और जो डॉग के ऊपर थी वो एस पे थी, जिसमें सलाइवा रिलीज होता था, तो इसीलिए उसको एस टाइप बोला गया था। और आर के ऊपर जो रिस्पॉन्ड किया जा रहा है उसको आर फॉर रेड और आर फॉर रिस्पॉन्ड थ्योरी, तो इसको टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में किसी भी एक नाम से पूछ सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो वो हमारी स्कीनर जी के द्वारा, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और टाइप आर कंडीशनिंग, तीनों ये एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, रैट के ऊपर किया था। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक रैट को जो कि बहुत हंगर था, बहुत भूखा था, एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया था, जिसको स्कीनर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, नाम पूछ लेते हैं कई बार कि उस पिंजरे का नाम क्या है, तो उसको सिंपल स्कीनर बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो बॉक्स का जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था वो इन्होंने ही किया था, स्कीनर जी ने, तो इसी से वो फेमस हो गया था स्कीनर बॉक्स के नाम से। इन्होंने बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को रखा था, जिसकी जो वॉल्स थी ना, जो पिंजरे की वॉल्स थी, दीवारें थी, वो एक साउंड प्रूफ सिस्टम से कनेक्टेड थी, एक ऑटोमेटिक मशीन से। ठीक है, तो जिसके अंदर एक छोटी सी दीवार में से लीवर निकलता था, जिस पे हाथ पड़ने से उसको खाना यानी कि चूहे की वो जो खाने की गोलियां होती हैं वो चूहे को मिल जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि उस स्कीनर बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को रखा था, जिसमें जब भूखा चूहा था तो उससे इधर उधर हाथ मारने जब स्टार्ट किए थे, लीवर को ढूंढने के लिए या उस पिंजरे से बाहर जाने के लिए, जैसे आप घरों में भी करते हैं कि वो चूहेदानी लगाते हैं चूहा पकड़ने के लिए, बॉक्स जो होता है, रैट बॉक्स जो होता है, तो उसमें भी क्या होता है, एक ट्रिगर के हिसाब से उसको सेट किया जाता है, उसका दरवाज़ा जो उसका गेट होता है, कि उसको आप इजीली बंद और खोल सकते हैं, और जब चूहा उसके अंदर फंस जाता है लेकिन वो नहीं खोल पाता है उसको, और जब चूहा उसके अंदर जाता है तब वो ओपन होता है, लेकिन खाना निकालते टाइम वो लीवर से ऐसे कनेक्टेड होता है कि वो जैसे ही खाना निकालता है वो पिंजरा ऑटोमेटिकली क्या है, बंद हो जाता है। तो ऐसे ही स्कीनर बॉक्स के अंदर चूहे को रखा था, जो कि एक हंगर था, और उसको खाना मिलने के लिए जब उसने इधर उधर मारना, मतलब ट्रायल करना स्टार्ट किया, इधर उधर पंजे मारना स्टार्ट किया था, तो उसको लास्टली जाके क्या हुआ, खाना उसको मिल गया। उसको खाना कैसे मिला, कि एक बार उसके ट्रायल करने के बीच में अचानक से उसका जो पैर था वो लीवर पे पड़ जाता था, तो क्या हुआ, उससे ऑटोमेटिकली उसका जो वो गेट था खाने का वो ओपन हो गया, जिससे उसको खाने की गोलियां मिल गई। अब उसने फर्स्ट टाइम ऐसे किया, सेकंड टाइम भी उसने ऐसे ही किया,
तो थर्ड टाइम में उसको जो चूहा था, वो जो रैट था, उसको प्रैक्टिस करने की या वो ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि चूहे को ये चीज़ समझ आ गई थी दो तीन बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि हाँ या ये वाले लीवर पे बटन दबाने पे या पैर मारने पे क्या है, मुझे खाना मिल जाता है जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड टाइम पे क्या था, चूहे को किसी भी चीज़ के ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने क्या किया, डायरेक्ट अगर उसको स्कीनर ने बॉक्स के अंदर रखा और उसको खाने के लिए मोटिवेट किया, तो उसने क्या था, डायरेक्ट ट्रिगर पे पैर दबाया और उसका गेट ओपन हुआ और उसको खाना मिल गया। तो उस इस वाली थ्योरी के अंदर भी जो स्कीनर जी ने दी थी टाइप आर की थ्योरी, इसके अंदर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो रिस्पॉन्स थ्योरी और सेकेंड थी हमारी ऑपरेंट थ्योरी, ठीक है। जो रिस्पॉन्स थ्योरी है वो हमारी जो इससे पहले हमने डॉग वाली यानी कि पेवलॉन की थ्योरी पढ़ी थी उससे मिलती जुलती है, जिसके अंदर डॉग अपना सलाइवा रिलीज़ करता है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो जो रिस्पॉन्ड कर रहा था वो अपने सलाइवा के थ्रू कर रहा था। यहाँ पर भी इस वाली कंडीशन में चूहा जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था, इधर उधर घूम कर, ट्राई कर, पैर इधर उधर मार कर, ये सारे रिस्पॉन्स वो क्या कर रहा था, रिस्पॉन्ड के थ्रू कर रहा था, रिस्पॉन्स थ्योरी के थ्रू। लेकिन जो सेकेंड हमारा इसके अंदर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर मेन पॉइंट आपका है रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर बच्चे को या चूहे को जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसको रेनफोर्समेंट देना ज़रूरी है। अब उस चूहे को रेनफोर्समेंट कैसे मिला, इस चूहे को जब एक बॉक्स में बंद किया गया था तो वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो एक साउंड प्रूफ वॉल से और एक ऑटोमेटिक मशीन से कनेक्टेड था, कि जब वो ट्राई कर रहा था और जब उसको खाना मिलता था तो उसके लिए एक साउंड्स प्ले होती थी, वहाँ पे साउंड्स प्ले के बाद उसको वो ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू खाना मिल जाता था। तो वहाँ पे उसको क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था उसके ट्रायल्स के बाद, जब उसके लिए वो साउंड प्रूफ आता था अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, तो उसके बाद उसको रेनफोर्समेंट के थ्रू क्या मिल रहा था, उसको खाना मिल रहा था वहाँ पे। तो इसीलिए इसका हम एजुकेशन से कैसे रिलेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि फर्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। जैसे इस चूहे के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे कि उसको खाना ढूंढना है, मेरे को बहुत भूख लगी है तो मुझे खाना प्राप्त करना है, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको भी एज अ टीचर पता होना चाहिए कि बच्चे को आपको ये चीज़ पढ़ानी है तो क्यों पढ़ानी है, उसके आगे फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्या उसके ऑब्जेक्टिव सेट्स किए गए हैं कि बच्चा इसको सीखने के बाद ये चीज़ें को सॉल्व कर लेगा नहीं करेगा। अगर बच्चे को आपने प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं लेकिन बच्चा अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, मार्केट में जाने के बाद वो ये पता नहीं लगा पा रहा है कि मुझे 20 रुपये की चीज़ चाहिए, 20 रुपये मैंने दिए मुझे 10 रुपये की चीज़ चाहिए तो माइनस करके मेरे पास वापस कितने आएंगे या मुझे कितना ऐड करना है या डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, तो वो सारे जो आपके थ्रू कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं वो सारे यूजलेस हैं। इसीलिए आप खुद भी पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट्स किए गए हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, देन आप उनके जब कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर कर देंगे तो आपको एज ए टीचर उनको मोटिवेट करना है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है उनको, ताकि बच्चे सीखने के लिए और इंटरेस्टिंग हो। अब अगर मान लीजिए बच्चे को आप कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और बच्चा अच्छा कर रहा है उसमें, लेकिन आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं या बच्चे को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बच्चे को गुड वेरी गुड नहीं लिख रहे हैं उसकी कॉपी में या क्लैपिंग्स नहीं करवा रहे हैं या उसको बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चे के लिए वो क्या है, एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी कि हाँ ठीक है मैम ने होमवर्क दिया, मैंने किया और मैम ने चेक कर दिया, बात ख़त्म हो गई, तो नेक्स्ट टाइम मैं करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चा भी क्या है, धीरे धीरे उस चीज़ से हटने लगेगा, कहीं बच्चे का भी इंटरेस्ट वहाँ पे लूज़ होने लगेगा। लेकिन अगर आप
बच्चे का जब होमवर्क चेक करते हैं या उससे कुछ सुनते हैं या जो चीज़ आपने उसको करने के लिए दी है, प्रैक्टिस के लिए दी है, और बच्चा आपको उसी वे में, पॉजिटिव वे में वो रिस्पॉन्स कर रहा है, एक्टिव है बच्चा, तो आपको भी वहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, क्लास में बच्चों से क्लैपिंग करानी चाहिए, टॉफ़ीज़ देनी चाहिए, या फिर आपको वेरी गुड बोलना चाहिए और उसको आगे मोटिवेट करने के लिए और बोलना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ करके लेकर आओगे तो आपको ये चीज़ दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट का हमारा, जो हमारे स्कीनर जी ने रखा था, वो मेन यही था कि अगर आप इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जैसे चूहे को यहाँ पे खाने के द्वारा रेनफोर्समेंट मिल रहा है, वो बेल और साउंड प्रूफ चीज़ों के द्वारा रेनफोर्समेंट अच्छा मिल रहा है, उस चूहे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो ऐसे ही आपको भी बच्चे का क्लासरूम टीचिंग के अंदर और बाहर इस तरह से उसको मोटिवेट करना है कि आप वहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सके। और आपको फर्स्टली ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे को वो चीज़ पढ़वा रहे हैं या फिर उसको लर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सेकंड है, ऑपरेंड कंडीशनिंग, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो इससे पहले वाली हमने थ्योरी पढ़ी थी पेवलोन की, वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको टाइप एस था जो मैंने आपसे कनेक्ट किया था कि डॉग से आप सलाइवा रिलीज होता है तो आप उसको टाइप एस लेके चलेंगे, और यहाँ पे जो रेट है और रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड के ऊपर सारी कहानी है, तो इसलिए आप इसको टाइप आर कंडीशनिंग, जो कि हमारी ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। क्लासिकल और ऑपरेंट को मिक्स मत करना, दोनों चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों के अंदर बातें भी बहुत सिमिलर हैं कि रेनफोर्समेंट बोला गया था, टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की पॉइंट्स में रखी हैं, ठीक है। इसके बाद जब रेनफोर्समेंट आप बच्चे को देंगे, इसके अंदर जो हमारा मेन पॉइंट है रेनफोर्समेंट, इसके लिए ड्यूरेशन ऑफ रेनफोर्समेंट भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने कितने टाइम पे रेनफोर्समेंट देना है, किस हिसाब से देना है। अगर आपने ऐसे कर दिया, फॉर एग्जांपल क्लास में, कि आपने बच्चे को 2 की टेबल लर्न करवाई और बच्चे ने वो आपको टेबल 2 की टेबल सुना दी, देन आपने उसको टॉफ़ीज़ दे दी, 3 की सुना दी देन आपने उसको दे दी, 4 की सुना दी देन आपने उसको दे दी, तो अगर आप हर क्लास में उसको टॉफ़ीज़ देते रहेंगे तो बच्चे के लिए वो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगा कि ठीक है मैम तो क्या है हर उस पे क्लास पे सीखने के बाद टॉफ़ीज़ दे ही देती हैं, तो एक दिन गलत हो गया या मुझे टॉफ़ी नहीं भी मिली तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना, तो बच्चे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे बच्चे को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अगर आपने आज उसको दी है, मान लीजिए आज आपने टेबल सुनी, तो आप उसको बोलिए कि 1 से 20 तक पूरी टेबल लर्न करोगे तभी मैं टॉफ़ीज़ दूंगी, तो बच्चा वहाँ पे क्या है, एक टाइम उसके पास आ जाएगा कि वहाँ पे बच्चे के पास कि उसको थोड़े टाइम के बाद अगर अच्छा रेनफोर्समेंट मिल रहा है तो बच्चा और मोटिव होगा उसको सीखने के लिए और उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तब उसके लिए वो चीज़ें सिमिलर नहीं रहेंगी। आज मेरे को टॉफ़ी मिली, फिर मेरे को 15 दिन बाद टॉफ़ी मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे के लिए हर टाइम पे नई चीज़ होगी, बच्चा उस चीज़ में बोर नहीं होगा कि मेरे को रोज़ रोज़ टॉफियाँ ही मिलती रहती हैं, एक दिन नहीं मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसको कभी कभी वो चीज़ देंगे, कंटिन्यूस ना देकर थोड़े टाइम के बाद देंगे, तो वहाँ पे क्या है, बच्चा उतना ही ज़्यादा मोटिव होगा कि मेरे को तो एक महीने बाद टॉफ़ी मिली थी तो मेरे को नेक्स्ट बार भी टॉफ़ी लेनी है, मैम से अच्छा सुनना है या वेरी गुड सुनना है या क्लैपिंग करवानी है, ठीक है, तो ये चांस क्या है, मैं किसी और को नहीं दूंगा, मुझे ही सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए, कि आपको ड्यूरेशन ऑफ रेनफोर्समेंट पता होना चाहिए कि कितने टाइम पर देना है, कब देना है, कंटिन्यूस देना है कि कॉम्प्रिहेंसिव देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें ड्राइव का, जैसे अभी जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था रेट के ऊपर, तो उसके अंदर उसके लिए ड्राइव क्या था,
उसके लिए ड्राइव वो खुद और उसके लिए वो खाना था कि अगर मैं कुछ एफर्ट्स कर रहा हूँ तो किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, खाना प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ पे बच्चे को पता होना चाहिए कि वो एज अ ड्राइव क्या कर सकता है और उसको उसके फ्यूचर में क्या उसके लिए बेनिफिट्स हैं। अगर वो आर्ट साइड पढ़ रहा है, साइंस साइड पढ़ रहा है, या उसको मेडिकल में जाना है या उसको लॉ करनी है, तो उसको कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, उसको पूरी चीज़ें प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, इतने नंबर कमाए मैंने ये पढ़ लिया, या मन हुआ मेरे फ्रेंड ने ये लिया मैंने ये पढ़ लिया, आगे कुछ उसका फ्यूचर नहीं है या उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आगे क्या होगा, वो उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएगा। देन उसके पेरेंट्स भी उसको उस फील्ड में, अगर आप कुछ के पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को मेडिकल करवाना है लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, उनको किसी और फील्ड में जाना होता है, उनको लॉ करनी होती है या कुछ, तो उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनको नॉन मेडिकल या मेडिकल की स्ट्रीम दिला देते हैं कि नहीं आप पढ़ो, तो बच्चा वहाँ पे क्या है फोर्सफुली उस चीज़ को उस टाइम पर पढ़ लेता है लेकिन फ्यूचर में वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो जैसे उसका मेडिकल में नंबर नहीं आता, एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर उसने वो चीज़ इंटरेस्टिंग उसके लिए थी नहीं, उसने इंटरेस्ट लिया ही नहीं पढ़ने के लिए। अगर वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ करता या पढ़ता तो वहाँ पे क्या था, वो अपना 100% देता, क्योंकि वहाँ पे उसको वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी मिल रहा था, वो पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिल रहा था इंटरनली और एक्सटर्नल भी, कि वो खुद अच्छा वहाँ पे कर सके, ठीक है। ये वाली थ्योरी के अंदर जो मेन पॉइंट था वो रेनफोर्समेंट का ही था, कि रेनफोर्समेंट पे बल दिया गया था, कि जो हमारा रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूस कब रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव कब रखना है, कि ये नहीं कि आप उसको कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट ही देते रहो, हमेशा मोटिवेट ही करते रहो। आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर कि आपको किस टाइम पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है। नेगेटिव में अगर बच्चे के अंदर कोई बैड हैबिट्स हैं तो आप उनको नेगेटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू कैसे उसको कम कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं कि अगर आप ये आदतें नहीं छोड़ोगे तो आपकी शिकायत करूँगी, या क्लास के अंदर बाकी बच्चों से शेम करवाऊँगी, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या है, बच्चे छोटे जो होते हैं उनके अंदर ये सारी बातें क्या हैं, जल्दी घर कर जाती हैं। तो इसीलिए बच्चे उस टाइम पर किसी भी चीज़ को जल्दी अचीव करने के लिए और किसी भी चीज़ को जल्दी छोड़ने के लिए बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी के तीन नाम थे, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी, जो हमारी रैट के ऊपर दी थी। ये थ्योरी किसने दी थी, स्कीनर जी ने दी थी, ठीक है, और इसके अंदर रेनफोर्समेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया था। और एजुकेशनल भी मैंने आपको बता दिया कि ड्राइव, रेनफोर्समेंट और टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है, इसका एजुकेशनल यूज़ इतना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।